दंगा। बुद्ध के समय में दंगे का कोई जिक्र नहीं मिलता, मगर जिस समय दिल्ली में दंगे हो रहे थे मैं उस समय विपस्ना में था। जब हमारा मोबाइल फोन मिला और मौन व्रत हमारा टूटा तो हमें खबर मिली, न्यूज मिली कि दिल्ली में काफी लोग मारे गए और दंगा हुआ। दिल्ली देश की राजधानी है, अगर देश की राजधानी में किसी प्रकार का दंगा होता है तो सोचने का विषय है। वहां सारे ही लोगों में इस बात की चर्चा थी कि दिल्ली में दंगे हुए हैं, लोग मारे गए हैं, क्योंकि विपस्ना साधना में बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करना बताया जाता है, सिखाया जाता है और ये पावर डेवलप हो जाती है। किसी भी आदमी के मन में जब दंगा करने का आता है या दंगे का सोचता है या कोई निगेटिव एनर्जी आती है तो वो अचानक से नहीं आती, उसको बहुत पहले से, महीने पहले, साल पहले, हफ्ते पहले, कुछ दिन पहले, कुछ घंटे पहले या सालों से, सैकड़ों सालों से बाकायदा उसके मन में वो जो निगेटिव है या दंगा करने का प्रोसेस है या उसको आदमी को मारने काटने का या घर लूटने पाटने का या किसी को परेशान करने का या गाली देने का प्रोसेस उसके दिमाग में डाला जाता है। हर एक मनुष्य बिल्कुल शुद्ध होता है, वो सुखी रहना चाहता है, वो कभी झगड़ा नहीं करना चाहता, ये नेचुरल है। जो बहुत ज्यादा बदमाश से बदमाश आदमी या क्रूर से क्रूर आदमी भी होता है वो भी ये चाहता है कि उसके बच्चे, खुद वो स्वयं, उसकी पत्नी, उसका परिवार सब सुखी रहे, किसी को कोई हानि ना हो, मगर फिर भी वो हानि औरों को पहुंचाने के लिए अपने मन को तैयार करता है। दंगों से पहले जो लोगों को तैयार किया जाता है या मानसिक रूप से दंगा उनके मन में डाला जाता है, क्योंकि दंगा सबसे पहले जमीन पर आने से पहले उसके मन में कराया जाता है। किसी व्यक्ति के मन में अगर दंगा नहीं होगा तो वो कभी भी कोई दंगा या कोई फसाद, कोई झगड़ा नहीं करेगा। दंगा सबसे पहले मन में आता है, मन में बोया जाता है, मन में रोपा जाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि उसको ये दिखाया जाता है कि तुम्हें सुख मिलेगा इससे, या जो तुम्हारा सुख है वो मेंटेन रहेगा, या जो तुम्हारा सुख है वो कभी जाएगा नहीं, इसलिए आप इस झगड़े को, इस दंगे को करो ताकि आपको सुख और शांति हमेशा के लिए मिले। ये उसके मन में स्थापित किया जाता है, या उसको पैसा दिया जाता है, या इसको कोई पोजीशन अवस्था दी जाती है, या उसको मानसिक कोई बीमारी पहले से रही हो जो निगेटिविटी की नकारात्मक होती है, तो मानसिक बीमारी के तहत में वो दंगा करने को तैयार हो जाता है, जिसको मोह मूर्ता बताया गया है विपस्ना में बुद्ध के समय। बहुत बहुत सारे कारण होते हैं दंगा करने के। आदमी घर से परेशान हो तब भी, मानसिक रूप से बीमार हो, मोह मूर्ता हो तब भी वो दंगे के लिए राजी हो जाता है, या उसको अपना जीवन अंधकार में लगे या अंधकार में कर दिया या उसकी सोच बदल दी है, यानी उसके मन में किसी तरह से दंगा डाला जाता है। जब आदमी दंगा करने के लिए तैयार हो जाता है तो जब दंगा वो करता है उस समय उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, वो सोचता नहीं है, और आसपास अगर वातावरण सारा नेगेटिव हो, बिल्कुल नकारात्मक हो, सारे लोग, सारा माहौल एक सा हो, तो फिर दंगा करने वाले उसको शौर्य और वीरता समझने लगते हैं और उसको सही काम समझने लगते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि बाकी लोग भी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। उस समय उसकी बुद्धि पूरी तरह से खत्म हो जाती है। कहते हैं घृणा और द्वेष और जो राग है, जब बहुत एक्सट्रीम होता है तो उस समय शैतान बुद्धि पर बैठ जाता है और वो बुद्धि को बंद कर देता है। शैतान का मतलब है बुराइयां हैं, वो बुद्धि को बंद कर देती हैं, प्रज्ञा को बंद कर देती हैं, पहिया को बंद कर देती हैं, सोचने समझने की जो क्षमता है, ताकत है, उसको जीरो कर देती हैं। फिर उसको चारों तरफ निगेटिव, घृणा और जितना भी अपसाद है वो दिखाई देता है, दौर मनुष्य दिखाई देता है। इसको भगवान बुद्ध ने मार बताया है। मार के 10 कारण हैं जो मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। तो दंगा मन में डाला जाता है, दंगे के लिए तैयार किया जाता है, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से, चाहे वो औरत के लालच में, आदमी के लालच में, पैसे के लालच में, सुख के लालच में, या बीमारी के रूप में, मानसिक रूप में, फिर वो दंगा करता है। दंगे में बहुत ज्यादा मारकाट होती है, हत्याएं होती हैं, लूटपाट होती हैं। फिर दंगे के बाद क्या होता है? बेसिकली दंगा जो अपना परिणाम छोड़ता है वो दंगे के बाद छोड़ता है। जिनके साथ में मारकाट होती है, लूटपाट होती है, उनका चैप्टर तो बहुत आसानी से खत्म हो जाता है, क्योंकि उनका मन परेशान नहीं रहता। वो या तो लुट गए हैं, या पिट गए हैं, या मर गए हैं, उनकी बात खत्म हो गई। मगर जो लोग दंगा करते हैं जीवन भर वो परेशान रहते हैं।
क्योंकि दंगे का एक तो वो जिक्र नहीं कर सकते किसे भी, दंगा अच्छी चीज नहीं है, तो इसलिए वो दुनिया में कभी किसी को नहीं बता पाएंगे कि वो दंगाई हैं या उन्होंने दंगा किया। अगर दो लोग दंगा करने साथ साथ हैं और वो बैठ के दंगा करेंगे, दंगा किया उन्होंने और दंगे की बात भी करेंगे, तो वो निगाह नहीं मिला पाएंगे एक दूसरे से। वो दोनों अगर सगे भाई या सगे दोस्त भी होंगे तो भी वो एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखेंगे। उसका उदाहरण यह है कि अगर दोनों को अपने बच्चे की शादी आपस में करनी हो तो वो मना कर देंगे, बताएंगे नहीं किसी को कि क्या कारण है, मगर कह देंगे ये आदमी अच्छा नहीं है। यानी दोनों ही एक दूसरे को कहेंगे ये आदमी अच्छा नहीं है। वो भी अपने बच्चों के लिए ऐसा व्यक्ति ढूंढेंगे शादी करने के लिए जो दंगा ना करता हो, सुख शांति से रहता हो, अच्छा रहता हो। दंगे के बारे में कभी भी किसी को कोई भी आदमी बड़े सौदे के साथ नहीं बताया जाता। अगर कहीं आदमियों की छटनी हो और ये बात हो जाए कि जिन लोगों ने दंगा किया है या जो लोग ठीक नहीं है वो अलग खड़े हो जाएं और जो लोग ठीक हैं वो अलग खड़े हो जाएं, तो दंगे वाले हमेशा झूठ बोलकर उनके साथ खड़े होंगे जिन्होंने कभी दंगा नहीं किया है। वो अपने आप को ये घोषित नहीं करना चाहेंगे कि वो दंगाई हैं या उन्होंने दंगा किया है। इसलिए दंगा क्योंकि अच्छी चीज नहीं है, दंगे का असर पीढ़ियों तक रहता है, क्योंकि घर में पता चल जाता है कि ये जो लूट का सामान आया है ये दंगे से आया है, और वो लूट के सामान की कोई इज्जत नहीं होती, उसको कहीं भी कोई सम्मान नहीं मिलता, वो दंगे का सामान ज्यादा दिन भी नहीं चलता लूटपाट का, क्योंकि हमेशा वो आंखों में खटकता है कि हमने ये लूटा है, दंगा किया है, ये हमारी मेहनत की कमाई नहीं है। घर वाले भी उसको उसी नजर से देखते हैं, बच्चों को सारे रिश्तेदार सारे मोहल्ले में उसी नजर से देखते हैं कि ये दंगाई का बेटा है। दंगा जीवन भर दंगा करने वाले के साथ रहता है और मरने वाले के साथ, मरने के बाद भी रहता है, क्योंकि मरने के बाद भी वो दंगाई परिवार घोषित हो जाता है। इसलिए दंगा पूरे जीवन भर आदमी को नुकसान देता है, सोसाइटी को नुकसान देता है। दंगाई आदमी की सामाजिक वैल्यू, सामाजिक जो मान्यता है वो खत्म हो जाती है। दंगाई आदमी किसी भी हालत में भारत का भला नहीं कर सकता, वो भारत का दुश्मन है, वो देश का दुश्मन है, क्योंकि वो अपना दुश्मन हो चुका है। दंगा करने वाला जीवन भर इसी पेशोपस में रहता है कि उसने दंगा किया है, उससे छुटकारा कैसे हो। विपसना साधना दंगा करने वालों को छुटकारा दिला सकती है, जैसे अंगुली मान डाकू को छुटकारा दिलाया भगवान बुद्ध ने। जो लोग दंगा से पीड़ित हैं, मानसिक रूप से पीड़ित हैं, वो विपसना करने जाएं तो वो दंगे से उनका पीछा छूट सकता है, वो एक शुद्ध और साफ आदमी दोबारा से बन सकते हैं। जैसे एक डाकू अंगुली मान भगवान बुद्ध ने बिल्कुल शुद्ध किया, निर्मल किया और उसका पूरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखपूर्ण कर दिया। लोगों ने बाद में उसकी बहुत ज्यादा मान्यता मानी, बहुत ज्यादा उसको मान सम्मान दिया, बहुत ज्यादा प्रेम दिया और उसने अपना सुखमय जीवन बिताया। इसलिए दंगा करने वाले जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनको विपसना जरूर जाना चाहिए। धन्यवाद।